हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में खास करके बच्चों कुछ न्यूक्लिक एसिड्स के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं बच्चों, जिसे हम लोग सदर्न ब्लॉट कहते हैं, ठीक है, और नॉर्दर्न ब्लॉट कहते हैं, और तीसरे को बच्चों हम लोग वेस्टर्न ब्लॉट कहते हैं, ठीक है। ये तीनों टेक्निक्स बच्चों होती है न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। और बच्चों, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ये होती है आप लोगों को खास करके कि सदर्न ब्लॉटिंग किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और आज इस ट्रिक से बच्चों, आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। बहुत सिंपल ट्रिक है बच्चों, ठीक है। सो बेसिकली बच्चों, जो सदर्न ब्लॉटिंग होती है उससे आप न्यूक्लिक एसिड्स में स्पेशली बच्चों डीएनए की सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो होती है बच्चों, वो आप आरएनए के सीक्वेंस को इससे आप आइडेंटिफाई करते हैं, और जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है बच्चों, उससे आप प्रोटीन के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर, ये बात आपको तो पहले समझ में आ चुकी, ठीक है। अब याद करने का तरीका, आपकी कंफ्यूजन, कुछ ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाए, है ना, क्योंकि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग किसके लिए है, डीएनए आरएनए प्रोटीन, तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसके लिए है, तो कंफ्यूजन हो जाती है। और बच्चों, याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, आप एक सेंटेंस याद रखिएगा, स्नो ड्रॉप, कैसे देख लो जरा। एस फॉर हो जाएगा बच्चों सदर्न ब्लॉट, एन फॉर हो जाएगा नॉर्थर्न ब्लॉट, और ओ तो बच्चों दोनों में कॉमन, ओ का मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, को हटा दो, और W का मतलब हो जाएगा वेस्टर्न। ड्रॉप याद रखिएगा बच्चों, D फॉर DNA, R फॉर RNA, और यहां इसका भी बच्चों O क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आप दोनों के O को कैंसिल आउट कर दें, और P फॉर हो जाएगा प्रोटीन्स, ठीक है। तो आसान है बच्चों, स्नो S फॉर सदर्न ब्लॉट, N फॉर नॉर्दर्न ब्लॉट, W फॉर वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है। ड्रॉप वैसे लिखेंगे, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आए बच्चों प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं कभी कभी, तो डीएनए फॉर डी मतलब सदर्न ब्लॉटिंग बच्चों किसके लिए है, डीएनए के लिए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आर फॉर आरएनए, आरएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वेस्टर्न ब्लॉट बच्चों प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पी स्टैंड फॉर प्रोटीन, ठीक है। सो आई होप बच्चों ये ट्रिक आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच बच्चों।